नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। हम जब भी फाइव के बारे में बात करते हैं, जो फाइव ऑफ सूट्स हैं, फाइव ऑफ सूट्स जो हैं चार हिस्सों में डिवाइडेड हैं, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो जब भी हम इन फाइव की बात करेंगे, कार्ड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितने भी आप फाइव ऑफ सूट्स देखेंगे, जितने भी आप इनमें से कोई भी, इन चारों में से कोई भी एक कार्ड देखेंगे जो फाइव नंबर्स के जो आ रहे हैं, ये चारों बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो इसके जब भी ये फाइव आप जब रीड करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है कि इसका कोई डायरेक्ट एकदम से मीनिंग नहीं निकलता। दिस कार्ड हैज़ मैनी मैनी मीनिंग्स, और इसका कोई एकदम से डायरेक्ट आप किसी को ये नहीं बता सकते कि ये ही मीनिंग है। यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम टू एक्चुअली रियलाइज व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड इज, देन इट इज़ गोइंग टू कम अप। तो आज जिस फाइव की हम बात करने वाले हैं वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले इसके कीवर्ड्स में जाएंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स या फिर फाइव ऑफ कॉइन्स के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं पॉवर्टी, सिकनेस, क्रिपल्ड, सर्वाइवर्स, होप एंड इनर एंड आउटर वर्ल्ड। कीवर्ड्स और भी निकल सकते हैं, लेकिन जो मेन कीवर्ड्स हैं जो आपको एकदम से जब आप पिक्चर देखते हो जो निकलते हैं वो ये हैं। एंड अब इसके पिक्चोरियल मीनिंग में जाते हैं। पिक्चोरियल मीनिंग में हम देखते हैं कि एक दो फिगर्स, एक आदमी और एक औरत, जो कि एक बहुत ही गरीब सी स्थिति के अंदर है, दिखने से लगता है एक भिखारी हैं, और वो चर्च के सामने से गुजर रहे हैं, या फिर ये कहें कि चर्च के बैक साइड से गुजर रहे हैं। और अगर आप भिखारी को देखेंगे तो भिखारी के गले में एक घंटी बंधी हुई है। ये आप अगेन आपको जूम करके देखना पड़ेगा, और ये घंटी हमें सिर्फ इसी बात का एहसास दिला रही है कि ये भिखारी जो है अपनी हालत को जो है चिल्ला चिल्ला के बता रहा है सबको कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे मदद करो। दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारे साथ ये खड़ा हो जाता है कि जब ये चर्च के सामने से गुजर रहे हैं तो चर्च के अंदर क्यों नहीं चले जाते? चर्च तो माना जाता है कि वो गरीबों की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है, तो ये अंदर क्यों नहीं चले जाते? तो जो सबसे पहला जो थॉट जो एकदम से जो इसका प्रोवोक होता है इस कार्ड से कि दरवाजे कि हम सिर्फ चर्च की खिड़की देख रहे हैं, चर्च का दरवाज़ा है ही नहीं। तो जो कि सिंबॉलिकल मीनिंग है वो ये कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ दिखावे के हैं और एक्चुअली में वहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई नहीं आ रहा। दूसरा ऑब्वियस मीनिंग जो कि इस कार्ड से आता है, जो कि मैक्सिमम टैरो रीडर्स जो हैं वो इसी को रीड करते हैं, वो ये कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बिकॉज इट्स पेंटिकल्स, क्योंकि ये पेंटिकल्स हैं जो कि मनी के लिए भी स्टैंड करता है। तो सबसे पहले अंदर से जो ख्याल आता है वो ये कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, और ख़राब होने की वजह से आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जो कि एक कार्ड का एक मीनिंग जो कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मीनिंग जो है सिर्फ इस कार्ड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं है, इस कार्ड की बहुत मीनिंग्स हैं, और जो भी मुझे बेस्ट लगता है मैं उन सभी मीनिंग्स की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मीनिंग जो मैं इस कार्ड का देखता हूँ
वो ये कि ये दो गरीब आदमी, ये जो दो गरीब फिगर्स जो हैं जो शो करी गई हैं, चाहे जितनी भी बुरी हालत हो जाए, बाहर जो है आप देख रहे हैं कि स्नो पड़ रही है और ठंड है, और ये इस बात का भी प्रतीक है कि देर इज़ लाइक वेरी लेस लाइफ, मतलब इट्स वेरी कोल्ड आउट देयर। कोल्ड आउट देयर का मतलब ये भी है कि बड़ा कठोर सा एनवायरनमेंट है, कि लोगों के जो लाइफ में जो है वार्मथ नहीं शो कर रहा। लेकिन क्योंकि चर्च की लाइट जल रही है, जो कि एक वार्मथ का सिंबल है, जो कि एक इनविटेशन का सिंबल है, तो ये दोनों जो हैं उसकी तरफ वॉक कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं इसी होप में हैं कि उनको सहारा मिलेगा, उनकी हेल्प होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसका पॉजिटिव, इसको थोड़ा सा इसको हम बता रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो परेशान हैं, लेकिन वो बैठे नहीं हैं, वो अलसा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वो मेहनत कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो आप देखेंगे वो मूवमेंट शो कर रहा है। और इसका एक और एस्पेक्ट आ जाता है कि चाहे आपकी लाइफ में जितनी भी मुसीबत हो, जितनी भी कठिनाई हो, मूवमेंट जो है चल रहा है, वो बैठ नहीं गया है, थिंग्स आर चेंजिंग। द एक ही चीज़ है जो स्थिर है, वो आपका चर्च। वो चर्च जो है वो होप है आपकी, वो आपका रॉक है जो कि आपको हमेशा से सपोर्ट कर रहा है। वो आपके भीतर का धर्म है जो आपको याद दिला रहा है कि वो आपके साथ है और वो सदा आपके साथ रहेगा। तीसरा मीनिंग जो इस कार्ड से निकलता है वो ये कि ये दोनों अपने आप को वर्थ नहीं समझते हैं, अपने आप को लायक नहीं समझते हैं कि वो इस चर्च में जाए, क्योंकि उनको जो है कहीं ना कहीं अपने आप को वो माफ़ नहीं कर पाए हैं या किसी दुख से गुजर रहे हैं। और उन्होंने एक ही चीज़ डिसाइड करी है कि जैसी लाइफ है अब वैसी ही जीनी है, अब सर्वाइव करना है। और साथ में ये भी एक नोशन उनके अंदर आ गया है कि अब इसके अंदर इससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता, और चर्च हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, धर्म हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल गलत नोशन है। क्योंकि आपने जितने मर्जी पाप किए हों, आपको भगवान हमेशा आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करता है, कोई और एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन भगवान आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता है। अगर वो एक्सेप्ट ना करता होता तो आप ज़िंदा भी ना होते, क्योंकि आप एक्सेप्टेड हो इसलिए आप ज़िंदा हो। तो जब आपकी रीडिंग में जब ये कार्ड आए, वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने आप को एक मौका देना है, एक चांस देना है। क्या आप से कुछ गलती हुई थी जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं और अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे? तो फाइव ऑफ पेंटिकल जो है आपको रिमाइंड कराता है कि यू हैव टू लीव द पास्ट बिहाइंड। अब आपको पास्ट छोड़ देना है, और जो आपका फ्यूचर है, जो कि एक चर्च शो करता है, जो कि एक शो करता है कि एक रिलीजियस मूवमेंट, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट शो करता है। सो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ चेंज, क्योंकि अब ये लाइफ इन दोनों भिखारियों की वैसी लाइफ नहीं रह जाएगी, इनकी लाइफ जो है इट्स गोइंग टू बी रिच अगेन। और फाइनली एक लास्ट मीनिंग जो कि जिसके अंदर जो है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा, वो ये कि बाहर आप कुछ भी पा लें, कुछ भी आपको मिल जाए, आप सदा भिखारी के भिखारी रहेंगे। लेकिन अगर आप धर्म को पहचान लें, अगर आप अपने असली धन को पहचान लें, जो कि धर्म का धर्म, जो कि धर्म है आपका, जिससे आपको असली खुशी मिलेगी, जिससे आपको असली मुक्ति मिलेगी, अगर आप वो पहचान लें तो उससे बढ़कर और कोई धन नहीं है। तो मेरे देखे इसका बहुत एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो ये कि बाहर की कुछ भी आप इकट्ठा कर लेंगे, आप भिखारी के भिखारी रहेंगे, जब तक कि आप भीतर जो है वो चर्च में नहीं चले जाते, भीतर उस मंदिर में नहीं चले जाते अपने। जब तक उस मंदिर में नहीं जाएंगे, तब तक जो है आप जो है गरीब के गरीब रहेंगे। अगर हम बाहर की गरीब की बात करें तो गुरु नानक जी हैं, संत कबीर हैं, सहजो हैं, बाबा फरीद हैं, ये सब बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन भीतर उनके प्रकाश था,
वो भीतर प्रकाश होने की वजह से बाहर धन का होना ना होना बिल्कुल ही महत्व नहीं रखता। जो उनको जो धन मिल गया, उस धन से उन्होंने जो है पूरी दुनिया को जो है रंग दिया, पूरी दुनिया को जो है उन्होंने वो अपने धन से उस धन को बांट दिया। और अब मैं थोड़ा सा ये भी बात करना चाहूँगा ये पेंटिकल के सिंबल के बारे में। हम इस पेंटिकल के सिंबल को जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो गहरा जो डीपर जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो ये है कि एक ह्यूमन फिगर अगर वो दोनों अपने हाथ और पैर जो है स्ट्रेच करके खड़ा हो जाए तो वो स्टार को सिंबलाइज करता है। और वो जो स्टार है वो जो 5-pointed स्टार है वो सिंबलाइज करता है 5 तत्व को, अग्नि वायु जल आकाश और पृथ्वी। और इसके आसपास जो एक वो जो सर्कल बनता है वो सर्कल जो है वो सिंबलाइज करता है सोल के लिए। सो कुछ ऐसा समझिए कि एक फिजिकल बॉडी जो कि एक सर्कल में फंस गई, जब भी आप इस शरीर में होते हैं तो आप जो है आपकी जो एक अनलिमिटेड जो सोल है वो एक इसमें कैद हो गई इस शरीर के अंदर। जो आपका गहरा स्वभाव है वो तो एक आकाश की तरह है, आप बहुत वास्ट हैं, लेकिन अगर आप शरीर के साथ ही जोड़ लेते हैं अपने आप को तो आप उतने ही लिमिटेड हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सी द मीनिंग ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने पहले बोला आपको कि हर कार्ड जो है स्पेशली ये जो राइडर वेट जो कार्ड्स जो मेरे देखे हैं ये इनके बहुत गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये 3 लेवल्स पे काम करते हैं, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। डिपेंड करेगा आप किसके लिए रीडिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आप कौन सा एस्पेक्ट वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर 5 ऑफ पेंटिकल्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैं अपने नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड नमस्ते।